नमस्कार, मैं हूं नव्य। आगे जानते हैं क्या नया हो रहा है बी टाउन सेलेब्स की लाइफ में। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और फिल्म मेकर करण जौहर के बीच बीते काफी समय से अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच कार्तिक आर्यन ने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से भी खुद को अलग कर लिया था, जिसके साथ ही फिल्म भी बैक बर्नर में चली गई। कार्तिक आर्यन ने आउटसाइडर होने के बावजूद अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक नई पहचान बना ली है। बीते साल जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में पिट रही थी, तब कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन और फिल्म मेकर करण जौहर एक साथ दोबारा काम करते नजर आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, दोनों हाल ही में एक मीटिंग के बाद साथ नजर आए हैं। हो सकता है कि फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर ही दोनों के बीच बातचीत हुई हो। सोशल मीडिया पर करण जौहर और कार्तिक आर्यन की कुछ फोटोज तेजी से वायरल हो रही है। इसके साथ ही एक वायरल वीडियो में दोनों एक ही बिल्डिंग से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन और करण जौहर के इस वायरल वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस ये उम्मीद जता रहे हैं कि दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो गए हैं और एक बार फिर साथ काम करने वाले हैं। इस वीडियो पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, लगता है बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वहीं कुछ यूजर ने दोस्ताना 2 के बनने की बात कही। सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो देखने के बाद फैंस को उम्मीद है कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया है। बता दें कि एक्टर करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन ने दोस्ताना 2 की 2019 में घोषणा की थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने भी अहम भूमिका थी। हालांकि कहा जाता है कि कार्तिक का अनप्रोफेशनल बिहेवियर करण जौहर को पसंद नहीं आया, इसके चलते दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो गए हैं और दोनों जल्द काम साथ में करते दिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।